अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल, उम्मीद है कि ठीक हो। आज मैंने की है अपने बालों की रिबोर्डिंग, जो कि मैंने सोचा कि मेरे बाल बहुत ही ख़राब हैं, तो ये करने से हो सकता है कि मेरे बाल अच्छे हो जाएं। ये देखें, मेरे बाल इतने डैमेज हैं कि दिखने के तो लायक हैं ही नहीं। जल्दी जी करते हैं इसको स्टार्ट। पहले किए मैंने पार्टीशन करके मैंने इसको लगाया है वन स्टेप वाली क्रीम। बिल्कुल स्मूथली इसको लगाना है, पार्टीशन करने हैं बिल्कुल से, थोड़े थोड़े से बाल लेकर इसको क्रीम लगानी है बिल्कुल सीधी सीधी। ये लगाकर इसको छोड़ देना है एक घंटा। एक घंटे के बाद मैंने किया था वॉश, फर्स्ट वॉश जो था ये इसका रिजल्ट है। अब इसको करना है हमें आयरन। आयरन के लिए भी हमें जो है पार्टीशन करनी पड़ेगी, बिल्कुल थिक जो है पार्टीशन लेके उसको आयरन लगानी होगी। ये आयरन एक घंटा लगा था मुझे ये करने में इसको। और जो थर्ड स्टेप था क्रीम का, वो मेरे का करना मतलब रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी हो गई थी डेड इस वजह से, और लाइट भी आ रही थी जा रही थी। ये जो आयरन हो रही है ये है फोर्थ स्टेप, क्योंकि थर्ड स्टेप में रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि वो क्रीम था लगाना जो कि 25 से 30 मिनट तक लगाना होता है, बालों के हिसाब से होता है, वो है ब्लीच टाइप कोई क्रीम, तो उसको बालों के हिसाब से लगाना होता है। जितना डैमेज बाल होगा, जितना अच्छा बाल होगा, जैसे मेरे बाल डैमेज थे बहुत, तो मैंने 20 से 25 मिनट्स रखा था अपने टाइम ड्यूरेशन, तो उस वजह से। और वो भी मैं आपको दूसरी मुझे करनी है रिबोर्डिंग, तो मैं आपको वो फुल दिखाऊंगी। तो जी यहाँ करते हैं ब्लॉग की एंडिंग, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।